वही थोड़ा बहुत किया उस जैसे हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा बहुत यू नो कोशिश की है नागिन बनने की. सारे फैंस से हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वॉच नागिन 1st of November से कलर्स पर एवरी सैटरडे संडे रात 8 बजे. थैंक यू. इसमें मैं प्ले कर रही हूँ यामिनी सक्सेना, मदर टू अर्जुन. माँ का किरदार है, बहुत ही डोटिंग मदर है. मतलब उनकी दुनिया अगर हम कहें तो सिर्फ पति, बच्चे और उनका परिवार, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होती है. बहुत ही रिलीजियस है, बहुत पूजा पाठ करती है, अपशकुन में बहुत मानती है. तो हमेशा यही कहती है कि ऐसी कोई चीज़ घर में ना हो जिससे अपशकुन हो. आपके अलावा और भी कलाकार हैं इस सीरियल में, लेकिन आप जो है एक USP है मानते हैं इस सीरियल की, नागिन की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कलाकार हैं आप इस शो में. और मेंटर के तौर पे काम कर सकती हैं, देखिए और भी कलाकार हैं लेकिन आप सबसे बड़ी कलाकार हैं. ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता कि एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक एक्टर की वजह से कोई सीरियल चलता है. ये एब्सोल्युटली एक टीम वर्क है. और अगर हम टीम वर्क की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस से लेके चैनल से लेके एक स्पॉट बॉय तक सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, तभी एक एक अच्छे चीज़ को हम डिलीवर कर पाते हैं. सो आई वुड नेवर से कि USP किसी एक एक्टर से नहीं बनता. प्रोजेक्ट, स्टोरी लाइन और ऑडियंस एक्सेप्टेंस, ये बहुत ही मायने रखता है. और बालाजी प्रोडक्शन का ये सीरियल है तो वो कितना मायने रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 8 to 9 years, 8 से 9 साल तक मैं बालाजी में मैंने काम किया है. और जब लोगों ने मुझसे ये कहा, यही फिल्म इंडस्ट्री ने मुझसे कहा था कि एक बहन या भाभी के रोल के लिए आप ठीक हो, बट बाकी रोल्स के लिए आप प्लीज़ ट्राई ना करें, तब एकता कपूर ने ही मतलब एक टोटल मेकओवर जिसे कहते हैं, मतलब नेक्स्ट डोर गर्ल इमेज से जो मयूरी कैरेक्टर मेरा था, वहाँ से अगर रमोला सिकंदर जो स्टाइल आइकन बनी, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से हुआ है, बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए की वजह से हुआ है, जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती. बिकॉज जब लोगों ने मुझे ये नसीहत दी थी कि आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए क्योंकि इंडस्ट्री आपके लायक नहीं है, तब एक हाथ जो मतलब मेरे कैरियर को थाम के अगर उन्होंने मुझे एक रिकग्निशन दिया है और एक स्टाइल आइकन का जो एक टैग मुझे मिला है, इट्स ओनली बालाजी टेलीफिल्म्स. आप अपील कर सकती हैं दर्शकों से नवंबर 1 को? मैं ज़रूर अपील करूँगी, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, बिकॉज जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है वो नागिन के प्रोमो से इतने एक्साइटेड हो गए हैं. हर कोई मुझसे यही कहता है कि हम नवंबर 1st 8 o'clock का वेट कर रहे हैं कि कब नागिन शुरू हो, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है. तो ऑलरेडी ये मतलब कलर्स और बालाजी टेलीफिल्म्स ने मतलब ऐसे प्रोमोज बनाए हैं कि लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. बट फिर भी एज एन एक्ट्रेस मैं जानती हूँ कि बालाजी टेलीफिल्म्स के हमेशा दे डिलीवर क्वालिटी स्टफ. बहुत नयापन होता है उनके हर शो में. तो मैं यही चाहूँगी कि आप ज़रूर देखेंगे, बट दोबारा मैं यही कहना चाहूँगी कि 8 बजे कलर्स पर आप देखना ना भूलिएगा नागिन. थैंक यू. थैंक यू. एक और